भाई मैं जानता हूँ आप लोग भी ये कहने वाले हो यार मंजीत तू कर क्या रहा यार, या तो लैब्राडोर की वीडियो ला ही नहीं रहा था और ला रहा तो बैक टू बैक इतनी सारी और वो भी अल्टीमेट क्वालिटी में। जी हाँ गाइस, आज जो वापस आप लोग देख रहे हो ना ये भी फुल ऑफ रिंकल्स के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को हाई क्वालिटी के लैब्राडोर वापस चाहिए ना तो आप लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत है, ना ही दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ना ही दूसरे चैनल सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डॉग ब्रीड लेकर आता है। तो भाई जहाँ पर आप लोग इन वापस का बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, वापस काफी हैवी बोन है, हेड साइज काफी ब्रॉड है एंड मसल तो बिल्कुल ही शॉर्ट। और यार मेरे काफी सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ, जब वो पपीज को परचेज करके लाते ना तो उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो काफी सारे ब्रीडर्स क्या करते हैं उन्हें मिक्स पपी पकड़ा देते हैं और लोगों को पता नहीं होता कि मिक्स पपी है या फिर ओरिजिनल, और ब्रीडर जो है ना वो अच्छा खासा पैसा भी ले लेते हैं। तो कुछ चीजें जिन्हें आप लोग अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों को कोई मिक्स पपी पकड़ा रहा है या फिर ओरिजिनल। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि जिस पपी को आप लोग परचेज कर रहे हैं ना यानी लैब्राडोर को, उसके चिक्स कैसे हैं, वो नीचे की तरफ लटके हुए, मजल शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और जो टेल है ना वो भी शॉर्ट ही होती है, और इनकी टेल ना वो बिल्कुल सीधी होती है भाई, वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई नहीं होती। अगर आप लोगों को कोई ऐसा पपी दे रहा है जिसकी टेल ऊपर की तरफ कर्व है तो उस पपी को आप लोग बिल्कुल परचेज ना करें, वो मिक्स हो सकता है। और एक चीज का और आप लोग हमेशा ध्यान रखें, लैब्राडोर सिर्फ एक ही कलर में होते हैं, अगर उनमें कोई आप लोगों को दूसरा कलर दिखाई दे रहा ना तो उस पपी को भी आप लोगों को परचेज नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन जो इनके ईएस होते हैं ना, इनके पास जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा कलर इसमें मिक्स नहीं होता। और ये चीज मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, पपीज लेने से पहले आप लोग ये जरूर देख ले कि जिस पपी को आप लोग परचेज करें वो कितना एक्टिव है, हमेशा आप लोगों को एक एक्टिव पपी परचेज करना चाहिए, हैवी बोन पपीज परचेज करना चाहिए। और अगर आप लोग ये पपीज परचेज करते हो तो आप लोगों को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में बेफिक्र होकर आग बंद करके इन पपीज के लिए जा सकते हैं। इस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ कि क्वालिटी में तो आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, इन पपीज के जो फादर है ना भाई वो केसी रजिस्टर्ड है, जिसे मैं आप लोगों को मिलवा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हैं यार इन पपीज के फादर, कितने फाड़ू क्वालिटी के हैं, और भाई टेल और हेल्थ देखिए कितनी हैवी है। और जो यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में दिख रही है ये इन पपीज की मदर है जो कि गोल्डन कलर में है, तो भाई दोनों की क्वालिटी बहुत शानदार है। इन पपीज को काफी अच्छे से मेंटेन रखा हुआ, पपीज बिल्कुल क्लीन है, आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो कि पपीज के ऊपर लगी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना पपीज जब खाना खाते हैं तो वो इनके कोट पर लग जाता है, जिससे इनका कोट है ना वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। लेकिन होम ब्रीडिंग के पपीज में आप लोगों को यही तो फायदा मिलता है, पपीज बिल्कुल क्लीन होते हैं। और गाइस ये लैब्राडोर टोटल 5 पपीज अवेलेबल है, जिसमें से मेल एक ही है भाई, 4 फीमेल है। तो आप लोगों को मेल परचेज करना है तो उसके लिए आप लोगों को फटाफट कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वैसे पपीज जो है ना ये 40 डेज के हो चुके हैं, और लोकेशन जो है वो है बस्ती गणेशपुर रोड उत्तर प्रदेश से, डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन ओनर आप लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर अगर आप लोग डिलीवरी चाहते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज पे कर सकते हो, तो डिलीवरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। एंड प्राइस की बात करें ना तो भाई पपीज सुपर एक्सीलेंट क्वालिटी में, फुल ऑफ रिंकल्स के साथ है, फुल हैवी बोन है, एंड फादर तो केसी रजिस्टर्ड है। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है, मेल की 16,000 पीस 16,000 रुपए, फीमेल की 13,000 पीस 13,000 रुपए। लेकिन गाइस ओनर ने स्पेशली ये भी मेंशन कर रखा है कि प्राइस नेगोशिएबल है, अब वो कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हो। बाकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस मैच कर रहा है या फिर नहीं ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।